अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं AWC एग्री और मैं हूं अफशां जेब। वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दौरा किया। इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू और वाइस चांसलर जामिया ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान हमरा मौजूद थे। इस मौका पर वजीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि ज़रई इजनास की वैल्यू एडिशन के लिए हुकूमत पंजाब अमली इकदामात उठा रही है। तिल की वैल्यू एडिशन के लिए इंडस्ट्री के साथ मुजाकरात किए जाएंगे। सुबह पंजाब में फसलों की काश्त के लिए 3 माह की मुद्दत के अंदर एग्रो इकोलॉजिकल जूनिंग की जाए। आलू का पेस्ट बनाने के लिए भी इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। सुबह पंजाब में सिट्रस की बहाली के लिए मंसूबा तैयार किया जा रहा है। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोधा को अपग्रेड किया जा रहा है। जिला टोबा टेक सिंह और लैया में सिट्रस रिसर्च सेंटर कायम किए जा रहे हैं। सुबह पंजाब में कलाठी जमीनों की इसलाह के लिए मंसूबा पर अमल दरामद जारी है। पाक चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के क्याम के लिए भी अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि USAID के कंट्री हेड के साथ मीटिंग करके ज़रई तहकीक और साइंसदानों की तरबियत में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की जाए। सोयाबीन के बीज की पैदावार बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से मुज़ाकरात किए जाएँ। मकामी सोयाबीन की खरीदारी के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया जाए। ज़राअत तोसी का शोबा अपने प्रोग्राम्स में सोयाबीन के मुतल्लिक काश्तकारों को आगाही फ्राहम करे। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने कहा कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तहत 150 PhD स्कॉलर सालाना डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 50% तालबात ज़ेरे तालीम हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तहत सुबह पंजाब में 700 एकड़ रकबे पर 171 सोयाबीन के प्लाट्स कायम किए गए हैं। मज़ीद ज़रई मालूमात हासिल करने के लिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। अफशां ज़ेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।